हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा। वाले सलाम मालिक। हाँ मामा करो बेगा है ना कितनी बेगा। हाँ वे उस बेरोज वे हो। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह करे आजमेर सरी पहनता हुआ अजमेर सर मुझे उदयपुर या उदयपुर से होता होने वाला हुआ तो सवारे आगे लगे था एक क्लास तीर मस्त गालू कर रहे हैं उठा हुआ एक क्लास मस्त बड़ा बहुत टेंशन दूर रहे हैं नाश्तो कर रहे हैं और चाय पी दो गालू कर रहे हैं असल नौ आगे तो असल हुआ सवा नौ तो बस दो पंद्रह मिनट में सही है और समीर है ना उसी का रेडी थे मतलब वो जॉब नो डनो बोले डॉक्टर डॉक्टर ने मेरे कोठाया हुआ आपका इस्तकबाल है दोस्तों। एक बेहद ही अफसोसनाक खबर अभी आई है। पी अब्दुल कादिर बापू जो कच्छ के रहने वाले हैं रिजाए इलाही से आपका इंतकाल पुरमलाल हो गया है। नाज़रीन आप उदयपुर में थे अपने मुरीदीन के घर पे वहाँ बिल्कुल सही थे सेहत याफ्ता थे। आपके मुरीदीन ने बताया आप इंशाल्लाह उनके तासुरात उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। आप कच्छ के रहने वाले हैं और वहाँ से आप उदयपुर के सफ़र में रवाना थे और उदयपुर से आप अजमेर शरीफ जाने वाले थे। आपके मुरीदीन ने बताया कि आपने सुबह उठे आप रोज़मर्रा के काम की तरह आपने सुबह नाश्ता किया 9 बजे उसके बाद कुछ वक्त आराम करने के लिए लेट गए बस आप जो सोए थे उसी में आपकी रूह अब कब्ज़ से अनवरी से परवाज़ कर गई। नाज़रीन आप मस्त कलंदर बुज़ुर्ग थे सालिक और मजदूब बुज़ुर्ग थे। आपसे पूरा कच्छ से कई इलाके गुजरात और गुजरात से बाहर भी कई लोग फैज़याब हो रहे थे चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो या आप मनाजिर देख रहे हैं जब आपके जिसम अतहर को उदयपुर से आपकी अब आबाई गांव कच्छ में लाया गया वहां के मनाजिर हैं। नाजरीन सालिक मजदूर को लिए अल्लाह थे आप आपके कई चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला आपके चाहने वाला को और आपके अजीज़ व अकारीब को सब्र जमील अता फरमाए। नाजरीन मजदूफ क्या है कलंदर क्या है इसका खुलासा बुखारी शरीफ में कुछ इस तरह है कि अल्लाह ने के रसूल ने फरमाया कि मजदूफ की कैफियत ये है कि बदन के कपड़े पुराने गर्द आलूदा बाल बिखरे हुए और किसी के दर के आगे खड़ा हो जाए तो उसे कोई खड़ा भी रहने न दे मगर वो अल्लाह की बारगाह में कसम उठा ले और कोई बात कह दे तो अल्लाह ज़रूर भर ज़रूर पूरी करता है। नाज़रीन ये मजदूब का मकाम होता है वो अल्लाह की नूर की तजलियों में गुम होता है जिसे हम और आप नहीं समझ सकते। ये देखिए ये लोगों का ताता ये लोगों की भीड़ आपसे आपकी मोहब्बत बयान कर रही है कोई यूं ही नहीं लोग दीवाने हो जाते हैं। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है ये अल्लाह के चाहने वाले बोले अल्लाह का मकाम क्या है मजदूब का मकाम क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह पी अब्दुल कादिर बापू को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और जो भी इनके अजीज़ व अकारीब है उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन आपके कई करामतें मशहूर है आप यूट्यूब पर सर्च करोगे पी अब्दुल कादिर बापू तो आपसे मुतालिक आपको तमाम बातें जानने मिल जाएगी। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करना है कि आप मजदूब औलिया अल्लाह थे और आपसे कई लोग फैज़याब थे हर मजहब के लोग आपकी बारगाह में आते अपनी मुरादें पाके जाते अल्लाह आपके वसीले से उनके काम बना देता था। ये देखिए आपके घर के बाहर अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ है कि आपका इंतकाल कल के रोज़ हुआ है आप उदयपुर में थे वहीं आपका इंतकाल पुरमलाल हो गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला पीर अब्दुल कादिर बापू के सदके तमाम उनके चाहने वालों को मुकम्मल इश्क़ रसूल और औलिया अल्लाह का अदब नसीब करे और सही मानों में इदिन सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।